हाय फ्रेंड्स, वन कॉर्नर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था रामायण से जुड़े हुए कलाकारों और उनसे जुड़ी हुई कई यादों के बारे में। आप सब ने उस वीडियो को बहुत पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात करेंगे रामायण से जुड़े उन कलाकारों की जो आज हमारे बीच नहीं है। वो आज भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उनका काम उन्हें हमेशा के लिए अमर कर गया है। तो चलिए बात करते हैं रामायण के उन 9 कलाकारों की जो अब हमारे बीच नहीं रहे। सबसे पहले बात करेंगे मंथरा की। मंथरा का किरदार निभाया था अभिनेत्री ललिता पवार जी ने। ललिता पवार ने हिंदी सिनेमा में कई यादगार काम किया है। आपको बता दें 1994 में उन्होंने सबसे पहली फिल्म की थी जिसका नाम था राम शास्त्री। 1950 में आई दहेज, उसके बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। दाग, श्री 420, सुजाता, अनारी, प्रोफेसर, फूल और कांटे, जंगली, नसीब, कुल मिलाकर उन्होंने 45 फिल्मों से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनका हमेशा से ही अभिनय लाजवाब रहा है। आपको बता दें ललिता पवार जी की मृत्यु 24 फरवरी 1998 में हुई थी। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा निभाए गए किरदार हमेशा से हमारे बीच रहेंगे, हमारी यादों में। अब हम बात करते हैं माता कौशल्या, जिनका किरदार निभाया था जयश्री गेतकर जी ने। जयश्री गेतकर जी को सबसे पहला ब्रेक मिला था वी शांताराम जी से। उनकी फिल्म झनक झनक पायल बाजे दमदार था कि उन्हें लगातार 80 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करने का मौका मिला। 80 फिल्में करने के बाद 29 अगस्त 2008 में उनकी मृत्यु हो गई। जयश्री केतकर जी ने जिस तरह से माता कौशल्या का किरदार निभाया था, शायद ही वो किरदार कोई और निभा पाता। रानी सुनैना यानी कि सीता जी की माँ, जिनका किरदार निभाया था उर्मिला भट्ट जी ने। आपको बता दें कि उर्मिला भट्ट जी ने भी बहुत सी हिंदी फिल्मों में काम किया, जैसे गीत गाता चल, हमराज, पापी देवता, अखियों के झरोके से, साजन का दर्द, ऐसी अनगिनत फिल्मों में काम किया। उनकी मृत्यु 22 फरवरी 1997 में उनके जुहू वाले बंगले में हो गई थी। अब बात करते हैं मेघनाथ यानी विजय अरोरा जी की। आपको पता है विजय अरोरा जी को सबसे पहला ब्रेक मिला था 1972 की फिल्म में जिसका नाम था जरूरत। उस फिल्म में उनका अभिनय लोगों को इतना पसंद आया कि उन्हें बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों के साथ रोमांस करने का मौका मिला। आशा पारिक के साथ उनकी फिल्म आई थी राखी और हथकड़ी, जो लोगों को बहुत पसंद आई। उसके बाद जीना तमान के साथ यादों की बारात में उन्हें देखा गया। उन्होंने 45 फिल्मों से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और अपने का लोहा सबसे मनवाया। बड़े बड़े अभिनेता भी कतराते थे उनके काम को देखकर। आपको बता दें बहुत कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। सिर्फ 40 साल के थे वो जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था। उनकी मृत्यु स्टोमक कैंसर की वजह से हुई थी। अब हम बात करते हैं अभिनेता दारा सिंह जी की। दारा सिंह नाम सुनते ही हमें पेशेवर पहलवान याद आते हैं। वो पहलवान जो पहलवानी के साथ साथ बेहतरीन एक्टिंग भी कर सकते हैं, वो पहलवान जिनकी पेशेवर पहलवानी कभी नहीं भुलाई जा सकती। आपको बता दें कि रामानंद सागर जी ने रामायण में पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि हनुमान का किरदार किसे निभाना है। इसकी खास वजह थी 1976 में आई फिल्म बजरंगी, जिसमें हनुमान का किरदार खुद दारा सिंह जी ने निभाया था। वो फिल्म लोगों को बेहद पसंद आई। उनकी मृत्यु हुई 12 जुलाई 2012 में। अब हम बात करते हैं राजा जनक, सीता माता के पिता, जिनका किरदार निभाया था मूलराज राजड़ा जी ने। रामानंद सागर की रामायण में शत्रुघ्न का किरदार निभाया था जिन्होंने, वो अभिनेता का नाम था समीर राजड़ा, जो पुत्र थे मूलराज राजड़ा जी के। अब हम बात करते हैं रावण के सबसे प्रिय भाई कुंभकर्ण यानी नालिन दवे जी की, जिनका जन्म 1940 में हुआ और 1990 में 50 साल की उम्र में ही उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने गुजराती और हिंदी कई फिल्मों में काम किया। अब हम बात करते हैं रावण के दूसरे भाई यानी विभीषण की। विभीषण का किरदार निभाया था अभिनेता मुकेश रावल जी ने। मुकेश रावल जी ने कई ओरिजिनल सिनेमा जैसे गुजराती, हिंदी, मराठी फिल्मों में काम किया।
उनका फिल्मी सफर जितना खूबसूरत रहा है, उनकी निजी जिंदगी उतनी ही दर्दनाक भरी रही। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि उनके पुत्र, जो कि सिर्फ 18 साल के थे, वो एक रेल दुर्घटना में मारे गए, उनकी मृत्यु हो गई। अपने बेटे की मृत्यु से वो कभी उभर ही नहीं पाए, धीरे धीरे डिप्रेशन में चले गए। और एक दिन 16 नवंबर 2016 में खबर आई कि उनकी लाश रेलवे ट्रैक पर पड़ी हुई है। आज तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। ज्यादातर जगह यही पढ़ने को मिला है कि उन्होंने सुसाइड किया। अपने बेटे को खोने का दर्द भूल ही नहीं पाए और उन्होंने भी अपना अंत वैसे ही किया जैसे उनके पुत्र का हुआ। अगले कलाकार हैं श्याम सुंदर कलानी जी, जिन्होंने बाली और सुग्रीव दोनों ही किरदार निभाया था रामायण में। 3 अप्रैल 2020 में उनकी मृत्यु हुई थी और उनकी मृत्यु की सबसे बड़ी वजह थी कैंसर का होना, जिसकी जानकारी खुद राम यानी अरुण गोविल जी ने अपने ट्विटर के जरिए दी। श्याम सुंदर कलानी जी ने भी बहुत सी फिल्मों में काम किया, कई सीरियल में भी काम किया, लेकिन सुग्रीव और बाली का जो किरदार उन्होंने रामायण में निभाया था वो हमेशा से लोगों के जहन में है। तो ये थे हमारे 9 बेहतरीन किरदार रामायण से जुड़े हुए, जो अब हमारे बीच नहीं हैं। दोस्तों, आज वो भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके द्वारा निभाए हुए किरदार हमेशा से ही युगों युगों तक अमर रहेंगे। उन सभी कलाकारों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हम। शुक्रिया। हमारे YouTube चैनल वन कॉर्नर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें।